16 मई का डेट था, बुद्ध पूर्णिमा, और देवों के देव महादेव प्रकट हुए ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर से। इस पे लगातार कोर्ट में दोनों ही पक्ष अपने अपने बातों को रख रहे हैं। जब इसकी पूरी पड़ताल मैंने किया ज्योतिषीय माध्यम से, समझिएगा इस चीज़ को पूरा, इसको इसलिए रिकॉर्ड करके और पूरा चार्ट आपके सामने मेंशन करने जा रहा हूँ, और ये जो घटना घटित हुई है 1669 यानी 1669 में, जब औरंगजेब ने मंदिर को ध्वस्त करके वहाँ पर मस्जिद का निर्माण कराया था, मैंने एग्जैक्टली उस दिन की कुंडली निकाली। और जिस दिन महादेव प्रकट हुए उस दिन की कुंडली को भी सामने रखा, आपको डिस्प्ले में भी अभी दिखाई देगा थोड़ी देर में। दोनों ही चीज़ों को जब मैंने गहन अध्ययन किया तो एक नया तथ्य निकल के सामने आया जो मेरा एक शोध वर्क है, इसको ज़रूर सुनिएगा। मैं यहाँ पर पूरे दावे के साथ ये कहना चाहता हूँ, देखिए शनि देव 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं और एक पूरा 360 अंश पूरा करने के लिए इनको लगभग 30 वर्ष लग जाता है। दोनों ही चार्ट में कॉमन बातें जो मुझे नज़र आई उस समय भी 1669 में जब ये घटना घटित हुई, ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना 1669 में हुई जिसमें मंदिर को ध्वस्त किया गया और ज़बरदस्ती वहाँ पर मस्जिद का निर्माण कर दिया गया, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में शनि देव अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ में ही थे और राहु की उपस्थिति मेष राशि में, मंगल की राशि में उपस्थित थे। तुला में केतु थे, सूर्य देवता वृषभ में गोचर कर रहे थे और बृहस्पति के साथ मंगल की युति हो गई थी। ये 1669 की मैं घटना बता रहा हूँ और उसका चार्ट मैं आपके सामने यहाँ पर लिख भी रहा हूँ। अब जिस दिन हमारे महादेव पुनः एक बार प्रकट हुए हैं, हालांकि देखिए मैंने पूरा रिसर्च वर्क जो है वो 2022 से सीक्वेंस में मैं नीचे चला गया और 30-30 साल के गैप पर मैंने ये चेक किया कि ऐसी युति पहले भी तो बनी होगी। भाई साइक्लिक प्रोसेस है तो साइक्लिक प्रोसेस में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में किसी ना किसी पॉइंट पर तो इंटरसेक्शन बन ही रहा होगा। तो मैंने ये देखा कि शनि और राहु के बीच में लगभग 6 से 7 घरों के बीच का अंतर 30 साल में हो जाता है। जैसे 2022 में वर्तमान में अभी शनि का जो राशि परिवर्तन 29 अप्रैल को मूल त्रिकोण कुंभ में हुआ है, वहाँ से राहु अभी तीसरे घर में है, यानी शनि की नीच दृष्टि राहु पर पड़ रही है। 1993 में भी सेम यही घटना घटित हुई, शनि कुंभ में थे लेकिन राहु मेष में नहीं थे, राहु जो थे वो वृश्चिक में थे। 1963 में, फिर 30 साल पहले आ जाइए, शनि कुंभ में थे और राहु मिथुन में थे। अब मिथुन में पहले थे, बाद में ये वृश्चिक में गए, तो मिथुन से वृश्चिक तक आप काउंट कर लीजिए, यानी 4 नंबर आएगा, फिर 5, 6, 7, 8 और ये 3 नंबर में जस्ट प्रवेश किए थे, तो 6 से 7 घरों का अंतर आपको लगातार दिखाई देगा, जिसको मैंने एक्सेल शीट में बनाकर आपके सामने क्लियरली चार्ट बगल में दिखा रहा हूँ। और मुझे
इस वीडियो में रिसर्च पूरा करने से कई बातें सामने निकलती हैं। और पहले के जो मुगल शासक थे जिन्होंने शासन किया था, उनको भी मैंने वेबसाइट पर पूरा चेक किया और ये पता करने की कोशिश की कि जो ये तथ्य न्यूज़ में प्रस्तुत किया जा रहा है, क्या वास्तव में वही तथ्य हमारे वेबसाइट पर भी मेंशन है। क्योंकि वेबसाइट पे जब भी हम कोई चीज़ मेंशन करते हैं तो वो लॉजिकल होता है, कोई अपने मन से उसको पोस्ट नहीं कर सकता है। अगर पोस्ट करेगा तो फिर वहाँ पर डिबेट शुरू होगा, और अगर वो डिबेट नहीं शुरू हो रहा है इसका मतलब वो पक्ष सही रखा गया। मैं इसी क्रम में 30-30 साल को नीचे करता गया, 2022 से लगभग 93 में आया, क्योंकि एग्जैक्ट 30 साल नहीं होता, 29 साल कुछ वर्ष कुछ माह कुछ दिन होता है, तो 1993 की कुंडली पर आया तो वहाँ पर ये कॉम्बिनेशन नहीं बना। मुझे कॉम्बिनेशन ये देखना था कि कब शनि देव मूल त्रिकोण में थे और उसी समय राहु मेष में थे, तो 93 में मुझे नहीं मिला, 1963 में भी मुझे नहीं मिला, 1935 में भी नहीं मिला, 1905 में भी नहीं मिला, 1876 में भी नहीं मिला, 1846 में भी नहीं मिला, लेकिन 1817 में ये युति बनी थी। आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, आप उसमें कई लोग सोच रहे होंगे कि इतना पुराना बर्थ डिटेल के हिसाब से चार्ट कैसे जनरेट कर लिया, वेबसाइट पर अवेलेबल आप चेक कर सकते हैं। आप जिस तिथि का चाहिए आप उस तिथि का जनरेट कर सकते हैं चार्ट, और आप किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। फिलहाल 1817 में ये युति बना था, इसको नोट कीजिएगा सभी लोग जो लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं। 1817 में पुनः यही युति बनी थी, कुंभ में मूल त्रिकोण में शनि देव थे, न्यायाधीश थे, और शनि के जो एजेंट है राहु वो अपने मंगल की राशि में और उस पर शनि की नीच दृष्टि पड़ रही थी। 1817 में भी कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। मैं रिसर्च हालांकि मेरा कंटिन्यू है, मुझे अभी तक 1817 में क्या हुआ था, कहां पर इस तरीके की घटना हुई थी, लेकिन ये जितने भी डेट मैं आपको बता रहा हूँ ये निश्चित रूप से ये बहुत अच्छे समय नहीं थे। 1993 बहुत अच्छा टाइम नहीं था, 1963 युद्ध का समय था, 1935 वर्ल्ड वार चल रहा था, 1905 में भी लड़ाइयाँ चली रही थी, महामारी आया हुआ था, 1876 में भी महामारी और लड़ाई की बातें चल रही थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने अध्ययन किया। ये जब भी शनिदेव मूल त्रिकोण में जाते हैं और शनिदेव के साथ उनका जो एजेंट है, उनकी जो परछाई है, अपने ही परछाई को नीच दृष्टि से जब ये देखते हैं, कुछ तो यहाँ पर महापरिवर्तन कर देते हैं। और मैं अपने पहले के वीडियो में भी बता चुका हूँ महापरिवर्तन अप्रैल में होगा। मैंने डंके के चोट पे बोला था महापरिवर्तन अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा और आपको दिखाई देगा। और ये महापरिवर्तन जिस समय वीडियो पोस्ट किया गया था उस समय बिल्कुल नहीं पता था कि इस तरीके के पुरातत्व विभागों द्वारा सर्वे होगा, लोग इस पर बातें करेंगे और ये न्यायालय में जाएगा और पुरानी बातें निकल के आएगी, क्योंकि ये महापरिवर्तन का समय है। और इस महापरिवर्तन के समय को और जब मैं पीछे लेके चल रहा हूँ, 1817 में एक बार ये युति बनी थी, लेकिन मुझे अपने रिसर्च में 1817 का बहुत ज़्यादा डिटेल मुझे ऑनेस्टली वेबसाइट पे नहीं मिला। आपको मिला होगा तो कमेंट सेक्शन में निश्चित रूप से लिखिएगा। फिर 1787, 30 साल और पीछे जाएंगे, 1787 ऐसा युति नहीं बना। उसके 30 साल पीछे जाइए, 1759 पुनः युति नहीं बनी। उसके पहले और जाइए, 1728 में ये भी यहाँ पर युति नहीं बनी। 1699 में जाइए, पुनः युति नहीं बनी, लेकिन 1669 में पुनः ये युति बन गई। अब मेरी बात को समझिए, मैं क्या चीज को रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं केवल ज्योतिषीय बात आज बात कर रहा हूँ, कोई राजनीति वाली बात इसमें नहीं है। 1669 में वही चार्ट और 2022 का चार्ट
लगभग सभी ग्रह, मैं सारे ग्रहों को तो नहीं कहूँगा, लेकिन न्यायाधीश और उनके जो एजेंट राहु हैं, केतु हैं, इन सभी का एक ही चीज़ों पर, एक ही जगह पर जाकर बैठ जाना, एक समय में मंदिर को दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण तोड़कर मस्जिद बनाया गया और अब उसी हक की लड़ाई एग्जैक्टली उसी समय हो रही है जब शनिदेव अपने मूल त्रिकोण में गए हैं। ये लड़ाई अभी भी कंटिन्यू रहेगा। ये जो बीच में 1817 में जो ये युति बनी थी उस पर भी मेरा रिसर्च कंटिन्यू है, लेकिन मैं एक चीज़ आप सभी लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, नंदी जी जिधर देखते हैं वहाँ तो शिव जी ही होते हैं। ये हिंदू धर्म के छोटे से छोटे बच्चे से आप पूछ लीजिए, वो बता देंगे। तो ज्ञानवापी जो मस्जिद है वहाँ पर और कोई नहीं, साक्षात महादेव ही विराजमान है। हमारे मुस्लिम भाई इन लोगों को शायद इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरे वीडियो को बनाने का बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि मैं किसी हिंदू या मुस्लिम ऐसी तथ्यों को प्रस्तुत करके वाद विवाद करने के पक्ष में रहूं। मैं केवल एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, एक ही प्रश्न का उत्तर मुझे दीजिए। 1669 में जो चार्ट बना है और 2022 का जो चार्ट बना है, दोनों लगभग लगभग सेम चार्ट बने हैं। इवन मंगल देवता और गुरु देवता साथ में थे और यहाँ पर आज के डेट में भी मंगल देवता और गुरु देवता साथ में ही गोचर कर रहे हैं। जब ये हमारे पवित्र मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया उस समय भी वही चीज़ें, और आज जब हम न्याय मांगने के लिए न्यायपालिकाओं के चक्कर लगा रहे हैं, हम सभी हिंदू इस चीज़ की मांग कर रहे हैं, ये वही चीज़ें पुनः रिपीट हो रही है। और यहाँ पर सत्ता परिवर्तन है, वहाँ पर उस समय मुस्लिमों का अधिकार था, उन्होंने अपनी मनमानी की थी, या उस समय हम लोग में से किसी का भी जन्म नहीं था, हो सकता है उनके कोर्ट या उनके जो डिसीज़न थे उनका अपना डिसीज़न रहा होगा। लेकिन बाबर से लेकर यहाँ तक औरंगजेब तक जब मैं पहुँचा, मुझे वास्तविकता में यही चीज़ दिखाई दी कि सबसे ज़्यादा जो मंदिरें तोड़ी गई इन्हीं लोगों के शासन में, तोड़कर मस्जिद बनाया गया और अब न्यायाधीश यहाँ पर आ चुके हैं न्याय करने के लिए। अब आप ये भी वाइसी वर्षा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वो न्यायाधीश कहाँ थे जब सेम चार्ट बन रहा है, तो उस समय न्यायाधीश कहाँ थे, उस समय न्यायाधीश ने न्याय क्यों नहीं किया, ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन हो सकता है आपका। लेकिन मैं आपको बता दूं, सेम वही कंडीशन एग्जैक्टली केवल शनि ग्रह का, राहु का, केतु का, सूर्य का, मंगल का, बृहस्पति का बन रहा है, लेकिन बाकी ग्रह तो चेंज हैं ही। बाकी ग्रहों का चेंज होना ये इंडिकेशन ज़रूर करा रहा है कि कुछ महापरिवर्तन होना है, और एक ही महीने में 9 ग्रहों का राशि परिवर्तन, मैं महापरिवर्तन जो इतने दिनों से चिल्ला रहा हूँ, ये महापरिवर्तन स्टार्ट हो चुका है और एक नए दिशा में ये मुड़ रहा है। लोग इसको किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, लेकिन जो ये मेरा ज्योतिष का जो पूरा शोध किया गया है इस पर, मैं किसी भी प्रश्नों का उत्तर किसी भी चैनल पर आकर दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास तथ्य हैं, एस्ट्रोलॉजिकल तथ्य हैं, और इन तथ्यों से कोई बचने वाला नहीं है। और मेरा फाइनल प्रिडिक्शन जो मैंने ये पूरा चेक किया है, 2022 के बाद अब ये अगली जो घटना होगी बहुत दिनों के बाद होगी, लगभग 200 से ज़्यादा वर्षों के बाद ये घटना पुनः घटित होगी। लेकिन इस समय क्योंकि हम हिंदू राष्ट्र बनने के तरफ अग्रसित हैं, इसलिए हमें हमारा जो हिंदू धर्म का पवित्र मंदिर थे
वो सारे मंदिर एक एक करके हमें वापस मिलना चाहिए। और ये चार्ट भी बता रहा है, यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट भी यही चीज बता रहा है। और आने वाले समय में मेरी इस बातों को रिकॉर्ड कर लीजिएगा, इस वीडियो को सेव करके रखिएगा। आने वाला जो जनरेशन होगा निश्चित रूप से इस रिसर्च को पुष्टि करेगा। बस मुझे 1817 में क्या हुआ था इसको मुझे जानना ज़रूरी है, लेकिन इसके अलावा मुझे कहीं पर भी कोई दूसरी चीज़ें बीच में कोई गैप ही नहीं मिल रहा है। 1669 से सीधा 2002 सेम कंडीशंस, कुछ तो ग्रह नक्षत्र भी बता रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।